यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं विम्मी को लेके आई स्पेशलिस्ट के पास, आंखों के डॉक्टर के पास, क्योंकि उसके चश्मा अब उसको फ्रेंड लग नहीं रहा है। करीब 1.5 साल हो गया वही नंबर चल रहा था, तो वैसे ज़्यादा नंबर तो नहीं बढ़ा है, डॉक्टर ने कहा थोड़ा सा नंबर हल्का सा बढ़ा हुआ है पावर उसका। पहले डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने में उतर जाएगा, लेकिन फ्रेंड इतनी आसानी से चश्मा उतरता नहीं है। तो उसी को मैं और तिवारी जी लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने आप को भी दिखा दिया, आप लोगों को देख लीजिए, साथ में मैं भी आई हुई हूँ। तो यहीं पर बैठे हैं और आते बाइक पर ठंडा लग रहा था, इसलिए फ्रेंड बगल में मैंने अपना जैकेट रखा हुआ है, क्योंकि अभी ठंडी इतनी तो हो ही गई है कि बाइक पर आने जाने से इवनिंग टाइम में काफ़ी ठंडी लगती है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड अभी अभी मैं मार्केट से आई हूँ, और मतलब करीब 9:30 बजे तक हम लोग मार्केट से आए हैं, और काफ़ी देर हो गई आने में, क्योंकि वहाँ पर मतलब ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन आँख के डॉक्टर एक एक पेशेंट को काफ़ी देर तक देख रहे थे। इसीलिए हम लोगों का नंबर तो सेकंड थर्ड नंबर था, लेकिन फिर भी काफ़ी देर हो गई। तो अभी जस्ट मैं आने के बाद मैं सबसे पहले मैंने कहा पहले सब्ज़ी बना लेते हैं डिनर की, तो गोभी रखी थी, जैसे कि ऑल टाइम फेवरेट हम लोगों की गोभी। फ्रेंड मुझे पता है ये सब्ज़ी की रेसिपी मैं डिटेल में अब नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, कि कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। फ्रेंड मुझे इस बारे में निम्मी ने मुझे डरा दिया, उसने मुझे कहा मम्मी बार बार एक ही रेसिपी दिखाती हो, और तो इससे तो यूट्यूब तुम्हारे चैनल को बंद कर देगा। मैं तो सुन के फ्रेंड इतना डर गई, मैं बोली क्यों बेटा ऐसा, तो मेरे चैनल में मैंने यूट्यूब के गाइडलाइंस को कुछ भी मतलब जो यूट्यूब का गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके ही मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ। लेकिन नहीं, उसने मतलब बोला नहीं मम्मी ऐसा मैंने सुना है कि अगर आप, तो फ्रेंड आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या ये बात सच है। वैसे तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, गोभी की सब्ज़ी मैं 3-4 बार आप लोगों को रेसिपी शेयर कर चुकी। यहाँ पर मैं आपको मसाला दिखा रही हूँ, जो ऑनियन गार्लिक और जिंजर तो खैर मैं नहीं डालती मसाले में, ऑनियन गार्लिक और चिली का पेस्ट है, और यही मैं गोभी में फर्स्ट सबसे पहले डालती हूँ। मैंने देखिए ब्राउन कर लिया है, गोल्डन कर लिया है गोभी को। अब मैं इसमें कटे हुए पोटैटो ऐड करूँगी, जबकि एज यूजुअल मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड आप लोग बताइएगा, मेरा मन इतना डर गया क्या मेरा चैनल बंद हो जाएगा, यूट्यूब मेरे चैनल को कैंसिल कर देगा, बंद कर देगा। ये सोचते ही मेरे हाथ पर ठंडे होने लगे, तो मैं काफ़ी डर गई। तो निम्मी बोली नहीं मम्मी मुझे ऐसा लगा, मैं बोली बेटा तूने तो बोल दिया, लेकिन मेरे दिमाग में तो वही घूम रहा है। आज सवेरे 5 बजे से ही सो के उठी थी मॉर्निंग में, फ्रेंड 5 बजे से ही नींद खुल गई। उसके बाद तिवारी जी 5:30 बजे जब जाते हैं ड्यूटी, तो उसके बाद से मुझे नींद ही नहीं आई। मैं यही सोच रही थी इतना 2-3 महीने से, अभी तो 3 महीना हो गया मेरे चैनल को, तो मैं बोली 3 महीने से मैं ट्राई कर रही हूँ, इतनी कोशिश कर रही हूँ यूट्यूब पे अपनी कुछ जगह बनाने के लिए, अपनी एक फैमिली सेटअप करने के लिए। आप अभी थोड़ी सी तो हुई है फैमिली मेरी, लेकिन अभी उतना डेवलप नहीं है। यहाँ देखिए फ्रेंड मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ एज यूजुअल, जो हमेशा मैं डालती हूँ कलर के लिए। तो बीच बीच में मैं आप लोगों से रेसिपी की भी थोड़ा डिस्कशन कर रही हूँ, और भी और निम्मी ने जो मेरे दिमाग में एक एक शक डाल दिया, इससे मेरा मन डर गया। फ्रेंड अगर आप लोगों में से किसी को भी इस बारे में कोई भी नॉलेज हो, तो प्लीज़ मुझे इस बारे में इन्फॉर्म कीजिए, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा होता है क्या, क्योंकि मुझे ऐसा यूट्यूब के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है फ्रेंड। मैं तो बस यूट्यूब देखती हूँ, उतना कुछ मुझे इसके नियम्स के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा तो कुछ गलत नहीं है, आप एक रेसिपी 2-3 बार भी दिखा सकते हो। मैंने कई यूट्यूबर को देखा है कि जो मतलब जिनके मैं रेगुलर बेसिस पे, यहाँ पर देखिए फ्रेंड मैं घर सूखे मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बीच बीच में रेसिपी का भी थोड़ा डिस्कशन कर ले रही हूँ, और 2 चम्मच क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा होने वाली है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, ये देखिए 1 चम्मच जीरा पाउडर मैंने ऐड कर लिया उसमें। तो फ्रेंड आप लोग मुझे प्लीज़ बताना कि ऐसा होता है, ऐसा कोई नियम है क्या, यूट्यूब का कोई गाइडलाइन इस तरह का है, मुझे उसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। तो मैं बहुत डर गई कि अब मेरा मेरे चैनल का क्या होगा, कहीं मेरा चैनल यूट्यूब बंद ना कर दे, उसे कैंसिल ना कर दे। बड़ी मेहनत लगती है फ्रेंड एक चैनल को बना के, उसको थोड़ा ग्रो, ज़्यादा ग्रो तो अभी हुआ नहीं है, अभी तो जस्ट मतलब समझ लीजिए अभी बॉर्न बेबी है वो, उसका अभी कुछ ग्रोथ हुआ नहीं है मेरे चैनल का। और पूरी कोशिश कर रही हूँ डेली, यहाँ पर देखिए फ्रेंड मसाला अच्छे से, देखिए तेल, मसालों ने तेल छोड़ दिया है, और अब इसमें पानी डालने का टाइम आ गया है। मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, और भाप से देखिए कैमरा भी धुंधला हुआ जा रहा है। तो ये मसाला देखिए अच्छे से भुन गया है हमारा, और गोभी और आलू तो मैं पहले ही फ्राई कर लेती हूँ, उसी के बाद मैं उसमें मसाला डाल देती हूँ। तो देखिए अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ जितना हमें चाहिए, क्योंकि गोभी की सब्ज़ी मेरे घर में जूसी ही सबको पसंद है, उसका भुजिया बहुत ही कम खवाता है, भुजिया बहुत ही कम बनाती हूँ फ्रेंड।
जब गोभी बहुत ज़्यादा आ जाती है तब मजबूरी में उसका फटाफट भुजिया बना के फिनिश करती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसका जूसी सब्जी बनाती हूँ। फ्रेंड प्लीज़ मुझे कमेंट करना आप लोग। इस समय फ्रेंड मैंने सब्जी वगैरह बना ली है और निम्मी किचन में रोटी बना रही है और मैं बैठ के कृष्णा देख रही हूँ। वैसे तो काफ़ी लेट हो गया आज, इस समय करीब 9:45 बज रहा है। हम लोग को विम्मी को डॉक्टर के पास लेके गए थे इसलिए हम लोगों को आने में बहुत देर हो गई, तो तिवारी जी मिल में इस समय जा भी नहीं पाए क्योंकि बहुत लेट हो गया था, खाना पीना भी नहीं बन पाया। तो अभी तिवारी जी आज नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत देर हो गया डॉक्टर के यहाँ ही हम लोगों को। और ये देखिए फ्रेंड सामने कृष्णा चल रहा है, वो देखिए कृष्णा चल रहा है और यहाँ पर विम्मी बैठी हुई है, ये देखिए विम्मी बैठी हुई है लेकिन वो लोग कृष्णा नहीं देखते हैं। कृष्णा मेरा ही फेवरेट है तो मैं ही देख रही हूँ रिलैक्स होके एकदम। कपड़ा वपड़ा मैंने चेंज कर दिया, अदरवाइज बहुत अभी वैसे तो ठंडी थी लेकिन अभी बहुत पसीना हो रहा है मुझे क्योंकि बाहर से आने के बाद फ्रेंड पसीना बहुत होता है। तो चलिए आप लोगों से कल मॉर्निंग में मिलते हैं या बाद में मिलते हैं, पहले मैं कृष्णा अपना देख लूँ, मेरा फेवरेट सीरियल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग हेल्दी और खुश होंगे। फ्रेंड मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, मैं सवेरे सवेरे सो के उठ के आज मैं बहुत जल्दी, फ्रेंड आज मुझे 5 बजे के बाद से नींद ही नहीं आई। मॉर्निंग में 5 से 5:30 बजे तक तिवारी जी जाते हैं, 5 बजे मुझे उठाते हैं। वैसे तो वो चाय वगैरह पीते नहीं हैं, उनको चाय पीने की आदत नहीं है, तो मॉर्निंग में सत्तू पी के जाते हैं, उनके लिए वही मुद्दा और हेल्दी भी होता है सत्तू पीना, तो वो डेली सत्तू ही पी के जाते हैं फ्रेंड, तो वही सब बना वगैरह के देती हूँ उनको मैं। तो उसके बाद वो चले गए तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फ्रेंड्स होता है ना कभी कभी हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चलती रहती है बातें और उस वजह से मतलब नींद नहीं आती है, तो ऐसे ही हो जाता है। वो फिर बाद में खुद ही मन समझा देता है अपने आप को कि जो होगा देखा जाएगा। और निम्मी ने मुझे एक डर भी दे दिया है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उस डर से और डर लग रहा है, इसीलिए दिमाग में वही घूम रहा है मेरे पास, क्योंकि इस चैनल को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है फ्रेंड, और आप लोग देख रहे हो मैं कितनी मेहनत करती हूँ। मैं ही क्या, हर यूट्यूबर फ्रेंड मेहनत करता है, बिना मेहनत के किसी का व्लॉग तैयार नहीं होता, वीडियो बनता नहीं है। यूट्यूब पे सिर्फ चैनल खोल लेना बड़ी बात नहीं है, उस चैनल को फिर अभी फ्रेंड बहुत ही कछुए की चाल से चैनल चल रहा है, पता नहीं खरगोश की चाल से कब चलेगा, आप लोगों के सपोर्ट बिना तो होगा नहीं। और मैं यहाँ पे अपने बरामदे में आके बैठी हूँ, देखिए ये जो मेरा बरामदा है यहाँ पे आके बैठी हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है, कुछ काम अभी हुआ नहीं है, मैंने सोचा चलिए पहले आप लोगों के साथ वेलकम आप लोगों का कर लिया जाए। यहाँ मैं कुछ वीडियो से आप लोगों से मॉर्निंग में बात नहीं कर पा रही फ्रेंड, हो जाता है ना कभी कभी शेड्यूल हमारा चेंज हो जाता है तो बात नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैं बोली कि नहीं आज मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी। एक्चुअली कहाँ अंधेरा कहाँ वो, एक्चुअली है तो बहुत ही उजाला, बाहर देखिए कितनी धूप खिली हुई है, बहुत धूप खिली हुई है, लेकिन फिर भी मतलब अंधेरा सा फीलिंग होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर हूँ तो ही सोचती हूँ कहाँ, क्योंकि मैं ट्राइपॉड नहीं लगा रही जस्ट आपके साथ बात करने के लिए, क्या ट्राइपॉड आजकल फ्रेंड मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चे घर में ही हैं तो वही लोग कैमरा पकड़ लेते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्राइपॉड की। ट्राइपॉड तो फ्रेंड उस टाइम के लिए होता है जब कोई घर में ना हो शूट करने वाला, उस समय के लिए ट्राइपॉड होता है। तो हाँ मैं बोल रही थी मुझे टेंशन हो रहा था चैनल का कि मतलब निम्मी ने मेरे दिमाग में एक डाल दिया जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो अब देखिए खैर ऐसा होगा तो नहीं, क्योंकि ऐसे मैंने मेरा चैनल किसी भी तरह की कोई भी मतलब YouTube की जो भी गाइडलाइंस है उनको कोई क्रॉस नहीं करता, वो उस गाइडलाइंस के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। मेरा YouTube वीडियो एकदम साफ सुथरा एकदम जेन्युइन वीडियो मैं डालती हूँ, ऑनेस्टली डालती हूँ, जो ऑनेस्टली वीडियो है वो है ऑनेस्ट वीडियो है मेरा, जैसी मैं डेली रूटीन मेरा रहता है रियल लाइफ में वही मैं डालती हूँ, मैं कुछ ऐसा दिखाती नहीं हूँ और मैं कभी किसी को कॉपी वगैरह नहीं करती हूँ। ये मेरा तो सब मतलब ओन है, जैसा भी है फ्रेंड, अच्छा है बुरा है जो है वो मेरा ओन सेल्फ का डिस्कवरी है, मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया। हाँ और यूट्यूबर्स को देख के मेरी इच्छा जरूर जागी थी कि जिनके मैं वीडियोज़ देखती हूँ उनको देख के कि मैं भी एक यूट्यूबर बनूँ। देखिए सक्सेस होते हैं कि नहीं होते हैं ये तो आप लोगों के फ्रेंड हाथ में है, आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। चलिए बातें बहुत हो गई और अब वही बात डेली वाली बात, अगर वीडियो पसंद आएगा तो ढेर सारे लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट तो आते हैं, कमेंट में कोई कमी नहीं है, ये मैं डेली आप लोगों को बोलती हूँ। इधर कुछ दिनों से फ्रेंड व्यू भी ठीक हो रहे हैं, वॉच टाइम भी मतलब थोड़ा सा 1-2% समझो बढ़ा है,
तो जीरो से एक भला होता है, जीरो रहे उससे अच्छा एक हो, वो उसमें हम ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं और उसमें सेटिस्फाइड भी होना चाहिए। जो भी इम्प्रूवमेंट हो उससे खुश होना चाहिए। तो वही मैं भी खुश होती हूँ फ्रेंड, बहुत ज़्यादा तो इम्प्रूवमेंट नहीं है लेकिन फिर भी पिछले 15 दिन से जो भी मेरे वीडियो का काफ़ी वॉच टाइम बहुत गिर गया था, व्यूज़ बहुत गिर गए थे फ्रेंड, तो अभी 3-4 वीडियो से व्यूज़ उस कंपेयर में तो व्यूज़ थोड़े से बढ़े हैं और वॉच टाइम भी बढ़ा है। तो चलिए, और पसंद आएगा तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना विद बेल आइकन, और आप लोगों को उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोग चाहें तो मेरी वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स में, कलीग्स में, रिश्तेदारों में आप लोग शेयर कर सकते हैं। चलिए अब आगे का काम देखते हैं, अभी ब्रेकफास्ट बनाना है, बहुत कुछ काम, मतलब सभी काम, लगभग सारा ही काम बचा हुआ है। मॉर्निंग में मैं बोली चलिए आप लोगों का बहुत दिनों बाद प्रॉपरली वेलकम कर लूँ, चलिए आगे का काम देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड सिद्धार्थ की ऑनलाइन क्लास देखिए स्टार्ट हो गई है, आज फर्स्ट डे, आज इसका फर्स्ट डे है। सिद्धार्थ ने मुझे इशारा किया कि मैं बोलूं नहीं क्योंकि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है और ये ठीक से अटेंड नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसका थोड़ा पासवर्ड वगैरह का प्रॉब्लम था। यहाँ पे बैठ गया है, ये बुक्स जो हैं ये विम्मी की हैं, उसकी ऑनलाइन क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन जो भी लिखना पढ़ना है वो करती है। यहाँ पर सिद्धार्थ स्टार्ट हो गया, कनेक्ट हुआ, सर पढ़ा रहे हैं, देखिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बहुत खुश है। सवेरे सवेरे उठ के नहा धो के बैठा हुआ है, देखिए नाश्ता वगैरह भी जल्दी कर लिया उसने, बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि बच्चे फ्रेंड घर में बैठे बैठे ऊब गए हैं एकदम से। ऑनलाइन क्लास में वो बात नहीं है, बच्चे तैयार होके स्कूल जाते खेलते वो बात नहीं है। हाँ सिद्धार्थ तो एकदम ऊब गया है, उसे ऐसा लग रहा कब उसकी स्कूल स्टार्ट हुआ और स्कूल जाए, लेकिन यहाँ से फ्रेंड वो जा नहीं पाएगा क्योंकि स्कूल तो दूसरे जगह, जहाँ हम पुराने जगह रहते थे वहाँ है। अब इस साल निकल जाए तो इस साल यहीं पे एडमिशन करा दें। बहुत खुश है, उसकी क्लास स्टार्ट हो गई है, नोट्स तो आने लगे हैं पहले से ही, 2-3 दिन से वो लिख रहा है और ट्यूशन तो उसकी स्टार्ट ही है। ट्यूशन तो मैम ने बस बीच में 15 दिन की छुट्टी दी थी दुर्गा पूजा की, उसको चाह रहा है कि मैं यहाँ से हट जाऊँ, उसको डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए फ्रेंड हम दूसरे तरफ चलते हैं। आज देखिए, आज विम्मी वॉशिंग मशीन में पानी भर रही है क्योंकि सिद्धार्थ की ऑनलाइन क्लास है, ये पानी भर लेगी तो उसके बाद मैं कपड़े, देखिए यहाँ पर रखे हुए सब कपड़े, इनको डालूंगी धुलने के लिए। आज विम्मी की ड्यूटी है क्योंकि सिद्धार्थ की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है। फ्रेंड अगर मैं कोई बात दो दो बार बोल दूं क्योंकि मुझे बातें करने की ज़्यादा आदत है तो प्लीज़ आप लोग उसे इग्नोर कीजिएगा, मुझे याद नहीं रहता है कि मैंने कौन सी बात बोली है कौन सी नहीं, तो होता है कभी कभी दो बार क्या 3-3 बार एक ही बात मैं बोल ले जाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसे इग्नोर कीजिएगा और बुरा मत मानना इस बात को आप लोग, ये एक नेचुरल बिहेव है। मैं तब वीडियो में भी मेरा नेचुरल बिहेव ही रहता है, मैं बातें भी आप लोगों से नेचुरली करती हूँ। अभी तो बहुत सारा पानी भरना है, अभी तो जस्ट एक ही बाल्टी डली है। वॉशिंग मशीन में विम्मी ने पानी भर दिया है तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि सामने कमोड रहता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में। लेकिन क्योंकि पानी भरने का टाइम, क्योंकि हम दोनों का बात, दो हमारे दो बाथरूम है फ्रेंड, दोनों ही बाथरूम में कमोड सामने ही है, तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर करना। मैं कई बार सोची हूँ आप लोगों से इस बारे में बात करूँ क्योंकि बाथरूम से पानी वानी लेने का, क्योंकि वैसा है ही सिस्टम ही, वो सामने ही रखा लगा हुआ तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कंपनी का फ्लैट है। और फ्रेंड मैं मतलब ये देख, मैं आपको लोगों को जो भी वीडियो शो दिखाती हूँ, मेरे डेली का जो नेचुरल रोज का जो सीन, जो भी मेरा शूट किया रहता है, जो रोज के काम रहते हैं, मैं वही दिखाती हूँ फ्रेंड। मैंने कई मतलब कई व्लॉगर के मैंने देखे हैं व्लॉग, उसमें मतलब वो काम नहीं दिखाते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं घर में, जबकि मैं काम ही दिखाती हूँ क्योंकि मेरा व्लॉगिंग का काम है, मतलब जो है मैं मतलब मुझे यही समझ में नहीं आता कि वो दिखाते हैं सही है या मैं दिखाती हूँ वो सही है। विम्मी यहाँ ब्रेकफास्ट लेके बैठी है, तिवारी जी कर चुके हैं, सिद्धार्थ भी कर चुका है, अब ये काफ़ी देर से करती है ब्रेकफास्ट, तो बैठी हुई है और यहाँ पर लगा रही है, देखिए लगा हुआ है, भाभी जी घर पर हैं, फेवरेट सीरियल हमारे घर का और जेठालाल, मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलता रहता है, यही दो सीरियल और हप्पू की उल्टन पलटन, ये हम लोग का फेवरेट सीरियल है हमारे घर में, कॉमेडी सीरियल। वैसे मेरी बेटियों को तो जूम पे गाने देखने का शौक है, ज़्यादातर गाना भी मैं लगा लो अपना जो देखना है तुम्हें, तो भी उसके गाने के ही चैनल चलेंगे, ये तो मैं देख रही थी अभी तो लगा हुआ है।
मेरे ड्राइंग रूम के टेबल की बॉटल खाली हो गई थी फ्रेंड, क्योंकि सिद्धार्थ, वैसे तो सिद्धार्थ ही भरता है लेकिन मैं भी भर लेती हूँ, और फिल्टर आजकल तो मैं ही भर रही हूँ, फिल्टर के लिए बच्चों को नहीं बोल रही हूँ, मैं ही भर देती हूँ, किचन में अक्सर रहती हूँ तो मैं भर देती हूँ, और बॉटल तो हमेशा ही सिद्धार्थ भरता है, 100% उसी से भरवाते हैं, लेकिन अभी मैंने देखा बॉटल खाली था और निमी ब्रेकफास्ट कर रही थी तो मैंने बोला चलो मैं ही भर देती हूँ, और उतने में मतलब उसकी क्योंकि क्लास थी, वो उठ के आया, मैंने उसको मना किया, मैंने बोला बेटा तू और तेरी ऑनलाइन क्लास चल रही तो उठ के क्यों आए, लेकिन बच्चे हैं ना जब घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो घर में रहने का एडवांटेज लेंगे ही, तो स्कूल की तरह बैठे नहीं रहते, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो वही मैंने उससे सिद्धार्थ को मैंने कहा कि बेटा जाओ तुम अपनी क्लास में बैठो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में मैम भी तुम्हें देख लेगी। यहाँ पर देखिए आज निम्मी ने हेयर वॉश किया है और विम्मी उसका हेयर स्ट्रेटनर से हेयर स्ट्रेट कर रही है। इन लोगों को मना किया ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे हैं ना घर में चीज़ें होती हैं तो मानते नहीं हैं। हेयर स्ट्रेट कर रही है, फ्रेंड्स को हाय कह दो, हेलो कह दो निम्मी, बच्ची विम्मी तुम भी कर दो हेलो, अरे मुंह से बोलो अरे तो तू ऑडियंस की तरफ देख भी तो सकती है, व्यूवर्स की तरफ देख भी नहीं रहे हो तुम लोग, बोलो इतना संकोच, इतना संकोच, हेलो, देखा फ्रेंड्स कितना बोलना पड़ा तब जाके इन लोगों को हेलो बोलते हैं, इन लोगों को बड़ा संकोच लगता है ऑनलाइन हेलो बोलने के लिए। देखिए निम्मी पकड़ के रखी है, हेयर स्ट्रेट हो रहा है, 2-4 दिन रहेगा उसके बाद फिर वो कर्ली हो जाएगा, फिर वही होगा, यही सीक्वेंस चलता रहता है इन लोगों का। चलिए फ्रेंड्स अब इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप कि आज का ब्लॉग भी आप लोगों को पसंद आएगा, और जो मेरे मन में डर है मेरे चैनल को लेके फ्रेंड, उसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आए, कुछ भी सही गलत लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मेरा मन थोड़ा सा डर सा गया निम्मी की बातों से, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि क्या मेरा डर सही है या गलत है, और फ्रेंड्स अगर पसंद आएगा तो ढेर सारे लाइक कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं आप लोगों के, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल आइकन, और मेरे वीडियो को आप लोग अपने रिलेटिव्स में फ्रेंड ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी पहले ही मैं मॉर्निंग में आप लोगों से काफ़ी बातें कर चुकी हूँ, तो और बातें करूँगी फ्रेंड तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। चलिए अब यहीं पर एंड करती हूँ, कल फिर मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे से और प्यारे से ब्लॉग के साथ, बाय बाय।